मेरा नाम अमेरिका सिंह यादव है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव हूँ। जो संयुक्त मोर्चे किसान का जो आह्वान रहा है, तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी कानून बनाने, बिजली बिल संशोधन 2020 वापस करने, ये शुरू से चार मांगे रही हैं। बाद में एक मांग और जुड़ गई, जो 44 श्रम संहिता को इन्होंने मिलाकर चार बनाया है, उसको भी ख़त्म करने का है। अब इसी के दौरान, आंदोलन के दौरान, जिन किसानों पर मुकदमे हो गए वापस लेने का है, जो लोग 700 मर गए हैं उनको मुआवजा, उनके घर के परिवार को, जो लखीमपुर की घटना आई जुड़ गया इधर उससे संबंधित है। अब उन्होंने आपकी बातें मान ली है, वो बातें कब खत्म नहीं, कहाँ बातें माना है? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुछ नहीं कहा, जो किसान जो है मरे हैं उस पर नहीं बोला उन्होंने, जो अजय टेनी है, जो लखीमपुर की घटना अभी मंत्रिमंडल में वो बने हुए हैं, बहुत हजारों किसानों पर मुकदमे वापस, उस पर कोई नहीं। ये क्या धरना चुनाव के बाद खत्म मान लिया जाएगा? नहीं, धरना आ गए तो चुनाव के बाद भी चलेगा, तो अगर नई डिमांड्स पूरी होंगी, कोई वार्ता होगी, अगर कोई समाधान एक निकल जाता है। राजनीतिक है या नहीं? अब धरना तो जो जनता से, अगर राजनीति की बात कर रहे हैं तो जनता से संबंधित चीज़ें तो राजनीति से ही है। राजनीति आज हमारा जीवन तय कर रही है। ये धरना भारतीय जनता पार्टी की हार जीत से भी जुड़ा हुआ है, जैसा कि नारा लग रहा है। नहीं, ऐसा है कि अब आंदोलन कोई हो रहा है, उसका इफेक्ट जहाँ पड़ जाए, लेकिन ये बात तो जरूर देखने में आ रहा है, जो किसान हैं जरूर इससे रखती हैं। दूसरी बात है कि इसी दौरान जो निजीकरण तेजी से करना शुरू किया इन्होंने, रेलवे का, बिजली का, शिक्षा का, सब चीज़ का, अब तो यहाँ तक कि संविदा पर और मानदेय पर नौकरी मिलेगी, सरकारी चीज़ें भी बंद हो रही हैं, तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं चीज़ों को। और किसान भी आंदोलन को आप देख ही रहे हैं कि अभी पहली बार देश के अंदर ये सरकार कारपेट की है, आंदोलन अपना स्वरूप बदलता जाएगा। हाँ, नहीं बदलेगा, उसी दिशा में चल रहा है, सही दिशा इसकी है ये आंदोलन, पहली बार किसान सही दिशा में चल रहा है।